हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर सी ऑनलाइन क्लास क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8। द रेनफॉल इन मिलीमीटर, रेनफॉल आपके पास गिवन है मिलीमीटर में, इन ए सिटी ऑन 7 डेज ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो। ये गिवन है आपके पास क्वेश्चन, टेबल गिवन है, डे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। रेनफॉल मिलीमीटर में गिवन है 0.0, ट्यूजडे 12.2, वेनसडे 2.1, थर्सडे 0.0, फ्राइडे 20.5, सैटरडे 5.5 एंड संडे 1.0। आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा, सेकेंड फाइंड द मेन रेनफॉल फॉर द वीक, थर्ड ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मेन रेनफॉल। तो वन बाय वन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउट डेटा। वी नो दैट रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, रेंज ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला है हमारे पास रेंज ऑफ रेनफॉल, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब देखिए गिवन टेबल के अंदर हाईएस्ट जो हमारे पास रेनफॉल है वो है 20.5 एंड लोएस्ट कितना है 0.0। तो हमारे पास जो इसका जो रेंज आएगी वो 20.5 माइनस 0.0 लोएस्ट, हमारे पास हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो 20.5 में से 0.0 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 20.5। मिलीमीटर, बिकॉज मिलीमीटर में हमारे पास गिवन है रेनफॉल मिलीमीटर में गिवन है वीकली, तो इसका आंसर आएगा 20.5 मिलीमीटर। अब देखिए ये तो फर्स्ट का आंसर हुआ हमारे पास। सेकंड का आंसर क्या है, फाइंड द मेन रेनफॉल फॉर द वीक, मेन रेनफॉल फॉर द वीक। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए वैल्यूज पुट करेंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग हम सम करेंगे वीक का मंडे टू संडे जो गिवन डेटा है उसका सम करेंगे, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 डिवाइड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम 7 करके कर देंगे डिवाइड। सम करेंगे, देखिए रफ में हम सम करते हैं यहाँ पर साइड में, 0.0 12.2 2.1 0.0 20.5 5.5 एंड 1.0 प्लस करते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 30, 1 कैरी 1 प्लस 0 1 ये 3 हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, अगेन 1 कैरी 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, तो यह है हमारे पास 41.3 अपॉन में 7। अब देखिए 41.3 अपॉन 7, तो इसको डिवाइड करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले पॉइंट हटा दिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो हमने अपॉन में क्या लगा दिया 10, फिर ये बाद में कंज्यूम कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई करके,
आप 413 में 7 का डिवाइड कर दें, 413 में 7 का डिवाइड, 413 में हम 7 का डिवाइड कर दें, 7 5 35, 6 3 7 9 63, कंप्लीट डिविजिबल होंगे, जीरो रिमाइंडर, तो यह आया हमारे पास 59 अपॉन में 10, क्योंकि 10 बचा हुआ है अभी। अब देखिए अपॉन में 10, तो बैक साइड से 1 डिजिट बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, दैट मीन्स 5.9 मिलीमीटर। तो टोटल जो वीक की हमारे पास, जो हमारे पास मीन आया, मेन रेनफॉल फॉर द वीक, वो आया हमारे पास, इट मीन्स एवरेज जो आई है 5.9 मिलीमीटर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, कौन कौन से दिन जो मीन से कम बारिश हुई है, जो मीन हमारा, हमारे पास क्या है 5.9 से कम कौन कौन से डे बारिश हुई, इससे कम बारिश हुई। देखिए मंडे, तो हमारे पास आंसर आएगा मंडे 5.9 से कम, ये तो ज्यादा है 5.9 से। वेनसडे 5.9 से कम है 2.1, तो वेनसडे। नेक्स्ट ये भी 5.9 से कम है, थर्सडे। ये 5.9 से ज्यादा है तो ये फ्राइडे नहीं आएगा। 5.9 से कम है सैटरडे, ये भी आएगा हमारे पास सैटरडे। और 5.9 से संडे भी कम है, पर तो ये संडे ही आएगा। तो यही पूछा था इसके थर्ड पार्ट में, और हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मेन रेनफॉल, कौन कौन से दिन जो है बारिश मेन से कम हुई है, मेन हमारे पास 5.9 है, इससे कम कौन कौन से डे आए, मंडे वेनसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे, दैट इज आंसर। अब ऐसे ही आप एक्सरसाइज 3.1 के आप इजीली क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, बाकी क्वेश्चनों में जैसे मेन फाइंड करना हो और जो बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने अभी अर्थमेटिक मीन ही डिस्कस किया है, उसके बाद मीडियन और मोड भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप जो अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है आप अटेंड ईजिली कर सकते हो।